पूरी दुनिया में उफक पर जैसे ही माहे रबीउन नूर का चांद नजर आया, दिलों में नूर रखने वाली मखलूक अपने महबूब की आमद के जश्न में मसरूफ हो गई। हम किसी जश्न को इतने एहतमाम से नहीं मनाते जितने एहतमाम से जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह की शान है कि अल्लाह तबारक व ताला कुन कहकर जमीन को पैदा करता है, कुन कहकर आसमान को पैदा करता है, कुन कहकर सितारों की अंजुमन को सजाता है, कुन कहकर के गुलों को खिलाता है, कुन कहकर के जमीन पर सब्जा पैदा फरमाता है, कुन कहकर दरिया को रवानी अता करता है, कुन कहकर समुंदर को तुगयानी अता करता है, कुन कहकर के चांद को बढ़ाता है, चांद को घटाता है, कुन कहकर सूरज को जो है वो निकालता और डुबाता है, कुन कहकर रात आती है और कुन कहकर के दिन आता है। गोया के कुन होता है तो फया कुन होता है, यानी जब वो कुन कहता है हो जा तो हो जाया करता है। आप अंदाजा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को काम करने में देर नहीं लगती, वो ज़मानो मकान से पाक है, लेकिन जब महबूब की आमद के जश्न का इजहार करना हुआ तो अल्लाह तबारक व ताला ने सेकंडों और मिनटों में जश्न का एहतमाम नहीं फरमाया बल्कि आदम को भेजा, जा और जाकर ऐलान कर महबूब आने वाला है। नूह को भेजा, जा और जाकर ऐलान कर महबूब आने वाला है। शीस को भेजा, जा और जाकर ऐलान कर महबूब आने वाला है। यानी कितना एहतमाम किया गया है। मुसव्विरे कुदरत ने कायनात को अपने कलम कुदरत से इस तरीके से सजाया सिर्फ एक इसलिए कि कोई आने वाला है। अल्लाह अकबर, मेहमानों का इंतजाम होता है, किसी मेहमान के लिए घंटों एहतमाम होता है, किसी मेहमान के लिए मिनटों एहतमाम होता है। आखिर कुदरत के कारखाने में एक आने वाला था, उसके लिए कुदरत ने किस शान से एहतमाम किया। मेहमान जिस शान का था, कुदरत ने एहतमाम भी उस शान का किया, बल्कि अर्ज करूं उस जैसा कोई आने वाला ना था तो उस जैसा एहतमाम भी नहीं किया गया।